प्रतिबंध होने के बावजूद भी चालक परिचालक हाईवे पर बस खड़ी कर सवारी ले रहे हैं। आईएसबीटी के सामने रोडवेज की बस लाइन से खड़ी हुई है, ऑटो भी आड़े तिरछे खड़े हुए हैं, इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस प्रशासन ने जाम से निजात दिलाने के लिए हाईवे पर बस रोककर यात्री लेने पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन चालक परिचालक नियम कानून हवा में उड़ा मनमानी कर रहे हैं। भगवान टॉकीज, अबूउल्ला दरगाह, वाटरवर्क्स और रामबाग चौराहे तो दूर, आईएसबीटी के सामने हाईवे पर रोडवेज बस खड़ी कर चालक परिचालक सवारी ले रहे हैं। जिस तरह से हाईवे पर बस खड़ी होती है, उससे हादसे का अंदेशा बना रहता है। गाड़ियों को जो आरएन साहब एवं डीएम साहब द्वारा रोका गया है जाम ना लगे, उसके लिए गाड़ियां रुकती हैं, वहां स्टाफ लगा दिया गया है, गाड़ियां भगाते रहते हैं, निकल जाती हैं। आईएसबीटी के सामने रोडवेज बसों के साथ आड़े तिरछे ऑटो खड़े रहते हैं, इससे जाम के हालात बने रहते हैं। आईएसबीटी के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह बस और ऑटो खड़े हुए हैं। इस तरह खड़े वाहनों पर कार्यवाही नहीं हो रही है, इस वजह से चालक मनमानी कर रहे हैं। स्टेशन प्रबंधक सीमा शिवहरे का कहना है कि हाईवे पर सवारी लेने वाली बसों के चालान किए जा रहे हैं। उनके चालान किए जा रहे हैं, उनके चालान भी किए जा रहे हैं, दूसरे उनको वहाँ हमारा स्टाफ लगा हुआ है तो रुकने नहीं दे रहे हैं, गाड़ी आगे निकाल रहे हैं। स्टेशन प्रबंधक सीमा शिवहरे का कहना है कि प्रतिबंध होने के कारण जगह जगह स्टाफ को लगाया गया है, इसके बावजूद भी चकमा देकर रोडवेज बस के चालक परिचालक सवारी ले रहे हैं। चौराहों पर बस खड़ी होने से जाम के हालात पैदा होते हैं, इस कारण अधिकारियों ने सवारी लेने पर प्रतिबंध लगाया है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।